के ऊपर डिस्कस करेंगे वह है डिफेक्ट ऑफ विजन, जो कि क्लास 8th और क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्लास 8th और 10th में 4 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग। और आप देखिए दोस्तों, डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब नेत्र दोष। साधारण तौर पर आंखों में 3 प्रकार के दोष होते हैं जिसका नाम है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबाइओपिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबाइओपिया। देखिए दोस्तों, मायोपिया होता है, मायोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, मतलब कि आपको करीब की चीजें अच्छी अच्छी दिखाई देंगी, मतलब बिल्कुल सही दिखाई देंगी, और दूर की चीजें वह एकदम क्लियरली दिखाई नहीं देती है। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। तीसरी जो चीज है वो है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में ये ज्यादातर ओल्ड एज में होता है और इसमें ना पास की चीज बहुत अच्छी दिखाई देती है और ना ही दूर की चीज। तो आइए दोस्तों इसको डिटेल्स में थोड़ा पढ़ते हैं और जानते हैं क्या होता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। देखिए दोस्तों, मायोपिया का मतलब हुआ दूर दृष्टि दोष। मायोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष, दूर की जो दृष्टि है उसमें वह खराब हो जाती है, मतलब दूर की चीजें अच्छी नहीं दिखती है। इसका मेन रीजन क्या है, सबसे पहले उस पर डिस्कस करते हैं कि उसका कॉज क्या है। रीजन देखिए दोस्तों, रीजन जानने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारी आंखों में जो चीजें हम देखते हैं उसकी इमेज बनती कैसे है। हमारे आंखों के बाहर एक हमारी आई लेंस होती है जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम देखते हैं तो उसकी इमेज हमारी आंख के आई बॉल जो हमारी होती है, जो हमारी आई बॉल होती है उसके आंख के पीछे वाले हिस्से में एक पर्दा होता है जिसको रेटिना कहते हैं। हमारे आंख के पीछे वाले हिस्से में एक पर्दा होता है जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। उस रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, तो वही हमको दिखाई देती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात आप बात करेंगे जो रीजन है, जो कॉज है, जो कारण है, जो कारण है मायोपिया होने का, और सबसे बड़ा कारण उसमें सबसे पहला क्या है, आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, मतलब आंख की जो बॉल है वह बड़ी हो जाती है। तो आंख की बॉल बड़ी हो जाने के कारण आपको चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि उस समय जब आई बॉल बड़ी हो जाती है नॉर्मल जो आई बॉल होती है उससे जब आई बॉल बड़ी हो जाती है तो जो इमेज हमारे रेटिना के ऊपर बननी चाहिए वो रेटिना के ऊपर ना बन के उससे थोड़ा पहले बनने लग जाती है, इस वजह से वह हमको नहीं दिखाई देती है। और दूसरा जो रीजन है वह है आई लेंस बिकम्स थिक। आई लेंस जो हमारी आंखों के बाहर सामने जो आई लेंस होती है, जो आंखों के सामने जो लेंस होती है वह थोड़ी मोटी हो जाती है, इस वजह से भी हम लोगों को चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देती है। इसको सही कैसे किया जा सकता है दोस्तों, इसको सही करने के लिए आप यूज कर सकते हैं स्पेक्टेकल्स ऑफ कॉनकेव लेंस, मतलब कि चश्मा लोग यूज करते हैं जो कॉनकेव लेंस का बना हुआ होता है। जो दूसरा डिफेक्ट है दोस्तों वह है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, जिसमें दूर की चीजें आपको क्लियरली दिखाई देगी लेकिन करीब की चीजें आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगी। इसका कॉज क्या है दोस्तों, कॉज का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ये किस वजह से होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आई बॉल बिकम्स स्मॉल, आपकी जो बॉल होती है वह छोटी हो जाती है, जो नॉर्मल आई बॉल होती है उससे आई बॉल छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी इमेज रेटिना के ऊपर बननी चाहिए वो वहां नहीं बनती है और उससे पीछे बनने लग जाती है, इस वजह से भी हमको चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती है। दूसरा इसका रीजन है दोस्तों आई लेंस बिकम थिन। आई लेंस जो होती है, आंख की जो लेंस होती है वह बहुत पतली हो जाने के कारण भी हमको चीजें साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है दोस्तों, यूजिंग द स्पेक्टेकल्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। इसमें जो चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है वह है कन्वेक्स लेंस का चश्मा। और तीसरा जो डिफेक्ट है दोस्तों वो है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ज्यादातर 40 से 50 इयर्स के बाद ही होता है, नॉर्मली ये 40 से 50 इयर्स के बाद ही होता है, उसके पहले तक नहीं होता है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो आई की बॉल होती है वह बहुत ही, मतलब कह सकते हैं उसको, बहुत लचीली हो जाती है, जो मस्कुलर जो मसल्स आई बॉल को पकड़ के रखती है, जो मसल्स आई बॉल को पकड़ के रखती है वह भी बहुत ढीली पड़ जाने की वजह से, और आंखों की जो
पर्दा होता है उसके ऊपर दुर्लभपन आ जाने की वजह से ये चीजें होती हैं। और इसको सही करने के लिए बाईफोकल लेंथ का चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। बाईफोकल लेंथ का चश्मा मतलब हुआ कि आप कभी नोटिस किए होंगे कि कोई है जो ऐसा चश्मा पहनता है जिसमें कन्वेक्स और कनकेव दोनों टाइप मिक्स होता है और चश्मे के ऊपर वाला पार्ट कन्वेक्स से और नीचे वाला पार्ट कनकेव लेंस से लगा हुआ होता है और बीच में चश्मे के कटमार्क करके देखे होंगे आप लोग। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को डिफेक्ट ऑफ विजन समझ में आ गया होगा। तो यदि आप इसी तरह की जानकारियां चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए यदि वीडियो अच्छा लगा।